क्या हुआ, सब ठीक? महाराज लगता है कुछ है, जाकर बोनट खोल देख। महाराज मैं जाकर देखता हूँ बाहर क्या हुआ है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आपके साथ। अब महाराज माफी चाहता हूँ आपकी परेशानी के लिए, आप खामखा बाहर आकर परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ ना। आप बैठिए आराम से, एसी चल रहा है, ठंडे में बैठिए। महाराज अब मामूली सी गड़बड़ी है, अभी ठीक हो जाएगी। और गाड़ी का एसी ऑन है, आप आराम कीजिए महाराज। इसे एसी के गैस में मिला दे, ये अंदर जाकर जहरीली गैस बन जाएगी। और ये वीर महाराज वीर वर्धन जी अंदर बैठे बैठे हमेशा के लिए आराम की नींद सो जाएंगे। बोला सरपंच जी, अंदर धुआं आ रहा है। सरपंच जी धुआं बढ़ रहा है। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? यही के यही खड़े रहो, हिलना नहीं, और जो कुछ है बाहर निकालो, निकालो, इधर रखो चैन सोना पैसा सब कुछ। ए गाड़ी की तलाशी ले। अरे तू मुझे जानता नहीं है, गलत आदमी से पंगा ले रहा है तो। हम किसे लूटने आए हैं और तुम्हें लूटने वाला कौन है, क्या कर सकता है, ये जानना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। ए, सब कुछ निकाल बाहर, चलो गाड़ी की तलाशी लो। ये कौन है? गारबेरा, डाका डालकर सब लूटते हो, उन्हें जान से मारते हो। आज मैं तुम्हें दंड देने आया हूं। मैंने पहले भी आगाह किया था कि गलत घर में कोई गलत काम नहीं करेगा, वो जो गलत काम करेगा उसे स्वयं दंड दूंगा। अच्छा, तो तू मुझे दंड देगा? हाँ, दिखा इसको कि कैसे दंड दिया जाता है। हम लोग गलत करेंगे, टाका डालेंगे, मारेंगे और तुम्हें भी मार करके लूट लेंगे। धुंधला धुंधला है ये जग, क्या क्या है, क्या है सत्य, I don't know.
अरे डॉक्टर महाराज वीरवर्धन जी महाराज सरपंच जी क्या हुआ और इन सबको क्या हुआ? आपको किसी ने मारा है क्या? आपने मिले मेरा मतलब है आपको कुछ याद नहीं है, मतलब आपने कुछ देखा नहीं? ये है ना, ये सब डकैत है, आपको लूटने आए थे, मारना चाहते थे आपको, मैंने बचाने की कोशिश की, मुझे मारा। थैंक यू। आगे आगे क्या हुआ? महाराज आपको सच में कुछ याद नहीं है, मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा? मैं गाड़ी में था। गाड़ी में धुआं आया, धुएं के बाद मैं आप लोगों को आवाजें दे रहा था और फिर अचानक मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो आप ऐसे और ये लोग ऐसे डाकू आ गए थे ना, डाकू वो इसलिए जैसे आपकी आवाज सुन नहीं पाया, वो ड्राइवर को भी मारा और मुझे भी मारा, लड़ाई झगड़े में वो बेहोश हो गए, पता नहीं कैसे बेहोश हो गए। मुझे लगता है कि ये सब भगवान ने किया है, क्योंकि कनकगढ़ में जब भी कोई गलत करता है तो उसे भगवान दंड खुद देते हैं, और ये भी भगवान ने ही किया है। भगवान भगवान ने किया है, भगवान ने ही किया है। आप चलिए ड्राइवर, गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई। जल्दी ठीक हो गई आप, चलिए बैठते हैं गाड़ी में। हाँ। उससे पहले इन लोगों को इन्हीं की गाड़ी के साथ बांध देते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपना फोन दीजिए। फोन दे। ये लीजिए। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन।